अस्सलाम वालेकुम प्यारे भेनों और भिराओ। तो तौसी गेमर्स आ चुके हैं एक और मज़ेदार किस्म की वीडियो के साथ। एक बहुत ही रोमांटिक किस्म का गेम प्ले ज़रूर देखिएगा। आज हम उतरने वाले हैं जनाब पावर प्लांट। जी हाँ, सोलो हमारे आगे उतरे हैं। एक तो हमारी किस्मत इतनी बुरी है ना, हम पावर प्लांट उतरें तो लोग मीट स्टैंड उतरते हैं, मीट स्टैंड उतरें तो लोग पावर प्लांट जाते हैं। जहाँ हम जाते हैं वहाँ कोई जाता ही नहीं, एक आधे बंदे के अलावा सारी ज़िंदगी गुजर जाती है बंदे ढूंढते ढूंढते। यहाँ पर गन वगैरह मैं लेता हूँ अच्छी सी, क्योंकि सामने वहाँ बंदा उतरा हुआ है दूसरी साइड। यहाँ पे देखिएगा भाई साहब क्या होता है, क्या होता है, बस ये देखना। मैं यहाँ पे रुक के टीवी पे ले रहा था, मैंने कहा उस बंदे को देखता तो हूँ है कहाँ पर, और वो एकदम से मेरे सामने से उछल के राइट साइड पर गया। मैंने कहा रुक जरा मैं तुझसे पूछता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा होल्ड कर जाता हूँ, क्योंकि मेरा मूड था कि वो बंदा थोड़ा सा और मेरे क्लोज़र में क्लोज रेंज में मार सकूं। यहाँ मैं फुट स्टेप इतने शदीद हो गए थे कि जैसे मेरे सर के ऊपर हूँ। और तेरी ऐसी तैसी रुक यार, इस रिफ्लेक्सेस के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। मैं कहता हूँ उस लाल बटन को ना फाड़ के रख दो, एक बार पता चलना चाहिए यार कोई आया हुआ है मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरा वीडियो की वॉच कर रहा है। पावर प्लांट हो गया था क्लियर। उसके बाद जनाब हमने पकड़ी गाड़ी, ये मॉन्स्टर ट्रक, और हम यहाँ पे आए आगे। यहाँ पे आगे जनाब हो रहा था फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा चल के देखते हैं। यहाँ पे मेरी कॉल आ गई, वो जगह मैंने स्किप कर दी है तो सॉरी फॉर देट। यहाँ आने में मैं थोड़ा लेट हो गया। आई थॉट स्क्वाड ऐसा लग रहा था ना यहाँ पे जैसे दो स्क्वाड आपस में लड़ रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे जब आता हूँ और हालात देखता हूँ तो हालात बहुत नॉर्मल हो चुके होते हैं, कोई बंदा नहीं होता और फायरिंग की आवाज़ भी ख़त्म हो गई थी। और ये वाले भाई साहब जो ये यहाँ पे भाग रहे होते हैं कवर में, आई थिंक ये पहले से ना वो डैमेज थे मेरी, बस एक आधी बुलेट लगी और गए काम से। मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ और बंदा कोई नहीं है, तो मैंने कहा आगे पुश करता हूँ थोड़ा सा, बट उसी टाइम मुझे ये आवाज़ नज़र आती है। और भाई साहब इधर इधर सस्तापन नहीं होता है ना, सस्तेपन की हद दिखाऊँगा मैं आप लोगों को, टेंशन नहीं लूँगा। ये देखिएगा ये कितना सस्ता सो रहे आए। जान तो मैंने अपनी तरफ से बड़ी लगाई लेकिन हुआ कुछ नहीं, एक आधा हेड भी पड़ा, लेकिन उनकी बारी थी, उन्होंने भी एक एक मैगजीन मुझ पर खाली की, लेकिन हुआ मुझे भी कुछ नहीं क्योंकि मैं कवर में हो गया। यहाँ पे उनका एक बंदा गाड़ी लेके मेरी तरफ आया, यहाँ फिर मैंने सस्तेपन की हद कर दी। आगे आगे देखना ये वाला। अरे भाई साहब, इस भाई साहब को नॉक किया, एक अरबी वगैरह आए हुए थे इधर से, ये भाई डी एंड है इनका नाम, और इनको भी मैं डाउन कर देता हूँ। इनका नाम आरपी में भी आया था। उसके बाद लूट हो गई थी बिल्कुल ख़त्म, 5 KM था ही नहीं। मैंने कहा चल के पेटियाँ लूटता हूँ ज़रा। जब मैं यहाँ पे आया तो भाई साहब ये लूट वगैरह करके जो ही मैं फ्री हुआ ना, तो यहाँ पर फुट स्टेप इतने शदीद हो गए ना, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था बस अभी पूरे दो स्क्वाड मेरे सर के ऊपर आके बस बैठ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर मैंने भाग दौड़ की ज़रा, क्योंकि फुट स्टेप आ रहे थे, बंदे नज़र नहीं आ रहे थे, और एंड पे निकला ये बोट, जिसको हमने डाउन कर दिया जल्दी से। आगे अभी भी फायर की आवाज़ आ रही थी, फायरिंग की, तो मैंने कहा चल आगे चलते हैं। आई थॉट यहाँ से बंदा कोई ना कोई निकल के आएगा, क्योंकि फुट स्टेप इंतहाई नज़दीक थे, लेकिन आया कोई नहीं। बस मैं भागता दौड़ता रहा, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा पीछे जाते हैं, क्या पता एंगल बन जाए। भी जब मैं यहाँ पत्थर पे आया तो देखें क्या होता है, बस देखिएगा क्या होता है। अरे भाई साहब, ओ तेरी खराब को तो देखा ही नहीं हमने, तू भी मेरा पुत्र छुटेगा। ये जगह बद गई थी जनाब क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ से सोचा निकल लेगा, बट जब हम यहाँ से निकलने लगे तो ये एक बोट था जिसको हमने सस्ता सा स्प्रे दे के पड़का डाला, लूट वूट की। उसके बाद जनाब हम पहुँचे, यहाँ ड्रॉप आया हुआ था, तो हमने सोचा यहाँ पे बंदा होगा कोई ना कोई, एक आधा किलो और मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे था कोई नहीं बोट पे, और सॉरी ड्रॉप पे। बट मुझे लगा जैसे वो सामने वाले पत्थरों के पीछे ना कोई है, बट पर था कोई नहीं। मैं बस ऐसे ही एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गया था यहाँ पे, पर मैं यहाँ जब यहाँ पे आता हूँ ना, तो बस देखिएगा आप ये 2 सेकंड बाद, आप देखिएगा होता क्या है।
जो ही मैं थोड़ा सा अपना कैमरा मोड़ता हूँ तो ये भाई साहब आराम सुकून से अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। मैं क्या करता हूँ तुम्हारा हिसाब, खड़े होके तो स्प्रे से मरना नहीं था, सोचा लेट के देते हैं। यहाँ पे एक ओपी सा स्प्रे दिया लेट के और भाई साहब को नॉकआउट कर दिया। किल करने की कोशिश की बट हुआ नहीं। और उसी टाइम क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे उसका टाइम मेट आ जाता है, उसको भी मैं स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ और लास्ट पे एक आधी बुलेट कनेक्ट होती है, बाकी सारा हवा में जाती है। उसके बाद ये डुओ हो जाता है क्लियर। बट मुझे लग रहा था उस टाइम जब मैं गेम खेल रहा था तो आई थॉट कि यहाँ पे स्क्वाड होगा पूरा, डुओ नहीं होगा, बट यहाँ पे ये डुओ ही था। बट मैंने फिर भी स्कोप ऑन रखा क्योंकि मेरे जहन में ही चल रहा था उस टाइम कि यहाँ पे बंदे और हैं, यहाँ पे एक और बंदा भाई साहब देखिए, जैसे कहते हैं ना मौत के मुंह में खुद चल के आ जाता है, वैसे होगा अभी देखिएगा। बस आप ये आने वाले भाई साहब एक गिल्ली सूट वाले किधर रह गए, ये आ गए। भाई साहब को भी हमने एक सस्ता स्प्रे दिया और ये पाकिस्तानी भाई था इसको भी नॉकआउट किया। और यहाँ पे इसको मारने की अपनी तरफ से तो फुल कोशिश की बट ये मरा नहीं, पता नहीं क्यों, शायद मेरा स्प्रे बहुत सस्ता था। यहाँ से उठाई था थोड़ा एंगल अच्छा बनाता हूँ, बट यहाँ पे जब मैंने स्कोप ऑन किया तो एक और बंदा मेरे स्कोप में आ गया। इसको मैंने डाउन करने की कोशिश की, पीछे इसका टीममेट था, रिफ्लेक्सेस मारने की भी फुल कोशिश की बट हुआ कुछ नहीं, उसने पेटी बना दी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।